अच्छा पिज़्ज़ा खाएंगे आप? आपको पिज़्ज़ा बहुत पसंद है। पी फॉर पिज़्ज़ा। वाओ। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल कुक विद रेखा। आज हम बनाने जा रहे हैं वेजिटेबल चीज़ पिज़्ज़ा, तो चलिए देखते हैं कैसे बनाएंगे। दिस इज़ माय फर्स्ट फूड व्लॉग। आई होप आपको मेरा व्लॉग पसंद आएगा। इस व्लॉग में मैंने पिज़्ज़ा की रेसिपी शेयर की है। ये पिज़्ज़ा मैंने बिना ईस्ट के बनाया है, तो ये है कुछ फाइनल पिक्चर्स। आप देख सकते हैं पिज़्ज़ा बनने के बाद कैसा दिख रहा है ना, बहुत चीज़ी एंड यमी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम पिज़्ज़ा की रेसिपी। पिज़्ज़ा बनाने के लिए मैंने यहाँ पे लिया है 1.5 कप मैदा, यानी कि 1.5 कप ऑल पर्पस फ्लावर। तो यहाँ हम मेजर करके 1.5 कप मैदा ले लेंगे। जब भी आप बेकिंग करें तो बेकिंग में मेजरमेंट की बहुत इंपॉर्टेंस होती है, तो आप मेजरमेंट प्रॉपर तरीके से करें। अगर मेजरमेंट थोड़े से भी गड़बड़ होते हैं तो हमारी बेकिंग अच्छे से नहीं हो पाती है। और आपके मेजरमेंट बिल्कुल करेक्ट हैं, अच्छे हैं, तो आप कुछ भी बेक करें बहुत अच्छा बनेगा। तो यहाँ हम ले लेंगे 1.5 कप मैदा। इस तरीके से आपको मेजर करके लेना है। इसके बाद हम इसमें बाकी की चीज़ें ऐड करेंगे। 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर, इस तरीके से आपको लेवल करके लेना है। हाफ टी स्पून बेकिंग सोडा, वन टीस्पून पाउडर शुगर यानी कि पिसी हुई चीनी, हाफ टी स्पून सॉल्ट। और अब हम लेंगे दही। यहाँ पे मैं जो दही यूज़ कर रही हूँ ये घर का जमा हुआ दही है, आप मार्केट वाला भी यूज़ कर सकते हैं। तो दही से हम डो लगाएंगे। यहाँ पे हम पानी का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करेंगे, दही से ही हमको डो लगाना है। तो हम थोड़ा थोड़ा करके इसमें दही डालेंगे और डो लगाना है। तो इस तरीके से हम डो लगाएंगे। जब आप डो लगाएंगे तो जो डो है काफ़ी स्टिकी सा लगने लगेगा। जैसे ही बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा ये सब चीज़ें आपस में रिएक्ट करती हैं तो पूरे डो में एरेशन क्रिएट होने लगता है और डो काफ़ी स्टिकी सा होने लगता है। तो जब डो स्टिकी होने लग जाएगा, काफ़ी आपको हैंडल करने में लगेगा कि बहुत चिपक रहा है, तो आप ये मत सोचिएगा कि आपके मेजरमेंट गलत हैं और आप इसमें और मैदा ऐड कर दें। ऐसा नहीं करना है आपको, और मैदा नहीं ऐड करना है आपको। इसी डो को अच्छे से गूंथना है। आप इसको जितना ज़्यादा गूंथेंगे आपको अच्छे से इसे नीड करना है, मल मल के नीड करना है। तब तक करना है जब तक ये पूरी तरह से स्मूथ ना हो जाए। जैसे आप देख सकते हैं अभी काफ़ी रफ है, अगर आप इसे खींचेंगे तो बहुत ही आसानी से ये टूट जाएगा। तो हमें क्या करना है, इसको अच्छे से मल मल के गूंथना है जिससे ये स्मूथ हो जाए और इसमें बाइंडिंग आ जाए। इस तरीके से हम डो लगाएंगे। 4 से 5 मिनट करीब लगेगा इसमें आपको, तो बोल में ये अच्छे से नहीं गूंथ पाएगा। तो हम इसको अच्छे से मल मल के नीड करेंगे। तो हम किसी फ्लैट सरफेस पे इसको निकाल लेंगे। तो रोटी बनाने का जो चकला होता है मैं इसे उस पर निकाल ले रही हूँ और इसको अच्छे से हमें नीड करना है इस तरीके से मल मल कर। जब तक ये नीट हो रहा है तब तक हम बनाने वाले की शक्ल दिखाना चाहेंगे। अपनी शक्ल इधर दिखाएं। बिहाइंड द कैमरा जो है बहुत बड़े क्रिटिक्स हैं। तो आज इस पिज्जा को ना हमारे हस्बैंड ही चेक करने वाले हैं कि कैसा बनने वाला है।
अगर आप ईस्ट यूज़ करते हैं पिज़्ज़ा बनाने के लिए तो उसको आपको फर्मेंट होने के लिए रखना पड़ता है, लेकिन ये वाला पिज़्ज़ा इंस्टेंट पिज़्ज़ा है, रिजल्ट्स भी अच्छे आते हैं और इसको बनाने में बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता। और जब आप इसका डो बना लेंगे तो आपको इसे रखने की ज़रूरत नहीं है, आप तुरंत ही इसका पिज़्ज़ा बना सकते हैं। आप देख सकते हैं जैसे कि ये मैंने एक जितना डो लगाया था उसमें दो पार्ट कर लिए, तो ये पहला वाला पार्ट है। तो इसमें ये वाला फूलेगा कि नहीं फूलेगा? हाँ, ये फूलेगा। इसमें हम हल्का सा इसको ऐसे डस्टिंग कर ले रहे हैं, थोड़ी सी डस्टिंग यहाँ पे भी कर ले रहे हैं। और इसमें दही है इसलिए ऐसा है? इसमें हम दही यूज़ कर रहे हैं तो वही हमारा फर्मेंटेशन का काम कर देता है। तो रखने की कोई ज़रूरत नहीं है फर्मेंट होने के लिए? इसे हमें रखने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। आप देख सकते हैं अभी फूलेगा? हाँ, आप देख सकते हैं अभी ही इतना सॉफ्ट हो गया है। टेस्टी बनेगा ना? हाँ, ये तो हमारे जो बिहाइंड द कैमरा एक्सपर्ट हैं वो टेस्ट करके बताएंगे, तो आपको बिल्कुल दिखाया जाएगा। बाबू टेस्टी बनेगा ये? यस यस। हम इसे क्या करेंगे, इस तरीके से फोल्ड करेंगे, ऐसे फोल्ड करेंगे, ये हम हटा देंगे, जिसमें बेक करेंगे वो ट्रे ले लेंगे, उसे हम थोड़ा सा बट ऐसे ग्रीस कर लेंगे जिससे कि हमारा पिज़्ज़ा बिल्कुल भी बेस में चिपके नहीं। ये सब आप देख के समझ रहे होंगे कि कितना हेल्दी है। ऑयल का बिल्कुल इस्तेमाल नहीं है इसमें, केवल बटर का इस्तेमाल है। वंस इन अ वीक और वंस इन अ 15 डेज खाया जा सकता है। ये इतना सॉफ्ट है कि आप इस तरीके से इसको स्प्रेड कर लें। बहुत ज़्यादा इसको आपको पतला नहीं करना है। आप देख सकते हैं कि मैंने इसको कितना मोटा रखा है, साइड से मोटा रखना है आपको। इसके बाद हम इसमें इस तरीके से फोक की मदद से छेद कर देंगे, होल कर देंगे, जिससे कि ये फूले नहीं। तो यहाँ मैं यूज़ कर रही हूँ डेल मोंटे ब्रांड का पिज़्ज़ा पास्ता सॉस। इसे आप पिज़्ज़ा और पास्ता दोनों के लिए यूज़ कर सकते हैं। ये देखिए चटपटी सॉस। अब चम्मच से इसको लगाएंगे। आपको जितना चटपटा खाना है उस हिसाब से आप लगाएं। ये अगर आप तीखा खाते हैं तो आप सॉस ज़्यादा इस्तेमाल करें, आप तीखा नहीं खाते हैं तो आप उसी हिसाब से कम सॉस भी लगा सकते हैं। ये ऑप्शन आपको मार्केट वाले में नहीं मिलेंगे, वहाँ केवल आपको चिली फ्लेक्स मिलेगा। उनसे कहिए कि घर का पिज़्ज़ा फ्रेश होता है, और जैसे कि अभी कोविड है तो मोस्ट ऑफ द लोग नहीं प्रेफर कर रहे हैं कि बाहर का खाना खाएं। इवन लॉकडाउन खुल चुका है, आप बाहर जाके खा सकते हैं, लेकिन बेटर ये है कि आप ना खाएं, क्योंकि अभी भी जो कोरोना की सिचुएशन है वो उतनी अच्छी नहीं है। तो कोशिश करें कि घर पे ही खाएं जितना ज़रूरी, अगर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है तभी घर से बाहर जाएं, अदरवाइज़ आप घर पे भी बना के खा सकते हैं। और अगर आप मेरी रेसिपी फॉलो करेंगे तो पिज़्ज़ा परफेक्टली बहुत टेस्टी बनेगा। होल की डाइस चीज़ ब्लेंड, इस चीज़ को आपको ग्रेट नहीं करना पड़ेगा, ये ऑलरेडी ग्रेटेड है। तो नॉर्मली जो हम ब्लॉक खरीदते हैं, ब्रिक खरीदते हैं, तो हमें उसे ग्रेट करना पड़ता है, लेकिन इसे आपको ग्रेट नहीं करना पड़ेगा, तो इसमें थोड़ी सी आपकी मेहनत बच जाएगी। अभी हम आपको इसको ओपन करके जब दिखा देंगे तब आप इसको देखें कितना ये ग्रेटेड है। टेस्ट में दोनों में ही कोई फ़र्क नहीं है, दोनों ही टेस्ट वाइज एक जैसी हैं। बस आप अगर मेहनत बचाना चाहते हैं तो आप डाइस्ड चीज़ खरीदें। ये देखिए इसमें, ये देखिए, तो आपको इसको क्या है ग्रेट करने की ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्टली इसे निकालिए। पेट में नहीं डालना है, पिज़्ज़ा पे डालना है, पकने के बाद खाना है, कच्चा ना खाएं। ये है हमारा वेजिटेबल, ये टॉपिंग्स हैं, ये हमारे पिज़्ज़ा की टॉपिंग है जो हम इस पे डालेंगे। जो भी टॉपिंग आपको पसंद है आप वो डाल सकते हैं। यहाँ पे मैं डाल रही हूँ अनियन, कैप्सिकम, टोमेटो और पनीर, क्योंकि पनीर इसको बहुत पसंद है। इसको पसंद है? इसको पनीर बहुत पसंद है। पनीर पसंद है? यस। पनीर आपको बहुत पसंद है? यस। तो ये हमने टॉपिंग कर दी है, अब इसके बाद टॉपिंग कर
बढ़िया का जिंदगी। चीज डालेंगे, भर भर के चीज डालना है इसमें, जिसको जितना चीज ही पसंद हो। चीज बच्चों के लिए बहुत अच्छा होता है। हाँ, पावर बढ़ती है और वेजिटेबल भी पावर होती है। बताइए आप चीज के फायदे बताएं। चीज पावर होती है, वेजिटेबल पावर होती है, फ्रूट्स पावर होती है, खाना खाना पावर होती है। कैसी, थॉर की पावर की कैप्टन अमेरिका की पावर? तो यहाँ हमने अच्छे से चीज़ डाल दिया है, इसके बाद हम इस पर थोड़ा सा ऑरिगेनो स्प्रिंकल कर देंगे। मैंने पहले से 180 पे प्री हीट होने के लिए रख दिया था 10 मिनट के लिए। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, launch. तो अब हम पिज़्ज़ा को बेक करने के लिए रखेंगे 200 डिग्री सेंटीग्रेड पर 15 मिनट के लिए। हर किसी का ओवन थोड़ा अलग तरीके से वर्क करता है, मेरा वाला 200 डिग्री पर 15 मिनट के अंदर अच्छे से बेक करता है। आप अपने ओवन के अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हैं। तो ये हमारा पिज़्ज़ा बेक होने लगा है। 15 मिनट हो चुके हैं, अब हम पिज़्ज़ा निकाल लेते हैं। आप देख सकते हैं पिज़्ज़ा हमारा बहुत अच्छे से बेक हो चुका है, बहुत ही अच्छा कलर आया है इसका। अब हम इसे निकाल लेते हैं। आप देख सकते हैं प्रॉपर, ये साइड से आप देख सकते हैं ये प्रॉपर फूला है और इसका कलर भी बहुत अच्छा आया है। मैं आपको दिखाती हूँ कि ये देखिए बेस से भी पूरा अच्छी तरीके से पका है। तो ज़रूरी नहीं है कि आप ईस्ट से ही बनाएं, आप दही, बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा, नमक, चीनी डालकर भी प्रॉपर बेस बना के आप बहुत अच्छा सा पिज़्ज़ा बना के खा सकते हैं। तो अभी हम थोड़ी देर में से कट करके भी दिखाएंगे। क्योंकि मैंने इस पर बटर लगाया था तो इसको निकालने में आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी। मैं भी आपको दिखाती हूँ कि कैसे आपको निकालना है। इस तरीके से निकाल के इसे तुरंत, आप इसकी थिकनेस को देखिए। रेखा ने बनाया था वो आपने देखा था, वो थोड़ा कम चीजी था। ये वाला मैंने बनाया है, देखो ये देखिए। जब कोई चीज बुरी बनती है तो तुमने बनाया है, और जब कोई चीज अच्छी बनती है तो उसका सारा क्रेडिट मेरे हस्बैंड ले जाते हैं। जैसे कि अभी लेने की कोशिश कर रहे हैं। नहीं, ये ऐसे ही कह रही है, ये वाला मैंने बनाया क्योंकि मैंने भर भर के चीज डाला है, पूरा पैकेट इसमें मैंने डाल दिया है। तो ये देखिए कितना चीजी है। वैसे जोक्स अपार्ट, ये इन्होंने ही बनाया है, इनको क्रेडिट जाता है। चलो हम इसको निकाल लेते हैं। बस बचा के करिएगा, एक्साइटमेंट में हाथ में जला लीजिएगा। इसी के साथ म्यूजिक होना चाहिए, ढन टन। देखिए मुंह में पानी लाने से कुछ नहीं होगा, इसको आप बनाएंगे तभी खा पाएंगे। ये देखिए बन चुके हैं। मैंने दो पिज्जा बनाए थे जिसमें से आप देख सकते हैं एक प्लेट, ये देखिए पूरी खाली हो चुकी है। अरे ये खाली प्लेट थी, ये देख सकते हैं आप। देखिए इसमें पूरा, इसमें पिज्जा सॉस दिख रहा है और
मैंने वीडियो रिकॉर्ड किया, चाहे तो मैं दिखा सकती हूँ। ये प्लेट पूरी साफ हो चुकी है और ये पूरा खा चुके हैं, स्टिल फिर भी हम पूछते हैं इनसे। देखो मेरा पेट कहाँ निकला है, मैंने खाया थोड़ी है। देखिए इनको पेट निकल रहा है, इसलिए इन्होंने ये देखिए कुशन इन्होंने लगाया है जिससे देखे नहीं कि इन्होंने खाया है। और ये बहुत ही कंजूस है तारीफ करने के लिए, बहुत रेयरली कभी ऐसा होता है कि ये मेरी तारीफ कर दे। शायद अभी तक शादी को 6 साल हो गए हैं, लेकिन शायद उन्होंने लगभग 5 बार मेरे खाने की तारीफ की। अभी मैं आपके सामने बताती हूँ उनको कि देखिए, ये देखिए पिज्ज़ा की शक्ल कैसी है। एक पिज़्ज़ा ऑलरेडी ख़त्म हो चुका है, अब आपको फिर से खाना है और ऑडियंस को बताना है कि कैसा बना है, और बिल्कुल सच बताना है। वैसे खाने की जरूरत नहीं, वो पिज्जा मैंने पूरा पहले वाला खा लिया है। देखा आगे लाइन पे वो मतलब पूरा नहीं खाया मैंने, हमने और बाबू ने मिलके खाया है, मेरे बेटे ने और इन्होंने दोनों ने मिलके खाया है। हाँ, और पिज्जा बहुत टेस्टी बना, मतलब खा के बताऊंगा कैसा है, लेकिन बहुत ही ज्यादा टेस्टी है। आप स्टेप बाय स्टेप रेसिपी को फॉलो करना और बताना कि आपका पिज्जा कैसा बना। और पिज्जा खाने पर मीठा लगा। जी जी, आज पहली बार हम लोगों ने खाना बनाते वक्त एक प्रॉपर ब्लॉग शूट किया है। कोशिश करिए कि हम अपनी ऑडियंस से कनेक्ट कर पाएँ इस ब्लॉग के थ्रू, और इस रेसिपी को मैंने प्रॉपर अच्छे तरीके से आपको बताया है। आप भी इस पिज़्ज़ा को अपने घर पे ट्राई करना, और प्लीज़ कमेंट में लिख के ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरा पिज़्ज़ा कैसा लगा। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। बाबू क्या करना है, सब्सक्राइब करना है ना? सब्सक्राइब करना है कि आप देख पाए वीडियो। हाँ, आप सबसे पहले देख पाए। बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हैप्पी कुकिंग। हैप्पी कुकिंग। बाय।